आरटीवी पंजाब देख रहे प्रेस होते हो, साडे वालों प्यार भरी सत श्रीकाल। दर्शको अज असी पेश कर लगे एक खास प्रोग्राम। अज 2 अक्टूबर का दिहाड़ा है, गांधी जयंती है, तो वो वालों साडे आरटीवी पंजाब की पूरी टीम वालों भी बधाई। तो साडे नाल स्टूडियो के अज विशेष चर्चा के पहुंचे हैं साडे सुरेंद्र सिंह जी हरिपुर, जिला प्रधान यूथ कांग्रेस रूपनगर, जिहड़े कि थोड़े ही टाइम पहला यूथ कांग्रेस के जित हासिल करके इन्हों वालों रोपड़ जिले के नाम हासिल किया है। तो सुरेंद्र जी थोड़ा स्वागत है साडे इस प्रोग्राम के। धन्यवाद जी। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करदा RTV1 पंजाब का जिन्होंने इत्थे मैनू आउण दा मौका दिता। तो मैं धन्यवाद हाँ साडे वड्डे वीर बग्गा जी का, जिहड़े कि सानू जदों कितें जरूरत पैंदी तां साडा साथ वी दिंदे ने। तो बाकी दूजा अज साडा प्रोग्राम सी, अज साडे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गांधी जयंती है, उस दी भी मैं पूरे देशवासियों नूं अज गांधी जयंती ते लख लख वधाई दिंदा जी। थैंक यू जी। दर्शको करदे हां शुरू असीं प्रोग्राम, जिहड़ा अज दा प्रोग्राम है गांधी जयंती ते, पहलां वधाई देनी बड़ी जरूरी सी। सुरेंद्र सिंह जी, एक गल अज कोई मुद्दा छाया होया है किसानी का, क्योंकि केंद्र सरकार वालों एक कानून पास करके जिहड़ा सरकार वालों BJP वालों जिहड़ा कानून वो किया, उहदे ते दो शब्द तुसीं दस्सो जरा वी तुहाडे वालों किस तरह का समर्थन किया जा रहा किसानां दा। देखो असीं तां जदों तों BJP सरकार आई है उस दिन तों ही इन्हां ना छोटे व्यापारी छोटे कारोबारी किसान हो गए, ये उन्हां नूं एक तरह खत्म करन दे राह ते तुरी होई है जी, जो कि कांग्रेस शुरू तो लड़ाई लड़ रही है 2014 तो। 2014 तो पहला साढ़े देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिन्हां ने कांग्रेस पार्टी वालों प्रधानमंत्री रहे 10 साल, तो उन्होंने ले गए फैसलों वाल करके साडा देश तरक्कियां बुलंदियां छू रहा सी जी जी। तो जदों तो मोदी साहब 2014 च आए हैं उस टाइम तो देखो ये किसी के अगे छुपिया नहीं चीजा थोड़े भी सामने है की हालात ने। अज साडे देश का अन्नदाता जो साडे देश के दे लोगों का ढिड भरदा वो समा सी जदों पंजाब ते हरियाणे के किसानां कोल सेंटर तो चल के आए सरकार वालों कि तुसीं हरी क्रांति जो लियांदी है कि अन्न गाओ, जो किसान नूं कोई मुश्किल आएगी असीं किसान दे नाल हैं, पूरे देश दा ढिड भरन वास्ते उपरों सरकार हाड़े कढ़दी सी साडे पंजाब। अज उस टाइम किसान याद आउंदा सी, अज साडे किसान दा इस मोदी सरकार ने जो हाल करके रख दिता वो किसे तो छुपया नहीं। अज साडे देश दा अन्नदाता सड़कां ते तपदियां धुप्पां विच जिहड़ा साडे देश दा ढिड भरदा वो अज तपदियां धुप्पां च रेलवे दियां पटड़ियां ते बैठण लई मजबूर है। की गल इह जिहियां सरकारां होंदियां, इह है मोदी सरकार। दूजे पासे मैं रोपड़ जिले का प्रधान होने के नाते कह लो, मैं रोपड़ जिले का वासी होने के नाते कह लो, गल करां साडे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू जी जिन्हां ने भाखड़ा डैम है जो साडा नंगल डैम जी जी साडे जिले नूं साडे देश नूं इहो जी देण दित्ती जिहदे नाल किसानी खुशहाल हो जगमगा गया, साडा इलाका जगमगा गया, उत्थे नौकरियां भी पैदा होईयां, साडी किसानी जो कि उहदे डैम चों नहरां कढ के खेती वास्ते बहुत वड्डा योगदान है उस डैम दा साडे वास्ते जी जी जी। ते इह कांग्रेस दी देण है, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ BJP ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਰਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰੇਟ ਹੈ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
जिन्हां नूं पाणियां दा राखा कहा जांदा, जिन्हां ने अज तक अपनी किसानी नूं अपने सूबे नूं बचाउण लई जो ये अकाली दल वाले चीची ते खून ला के शहीद होण दीआं गल्लां करदे, ये तां इक सिर्फ ड्रामेबाजी है। असली पाणियां दा राखा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते जदों सरकार अकाली छड के गए, साडे महाराजा साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वादा करिया सी कि असी किसानां दा कर्जा माफ़ करांगे। तुसीं मैनूं कोई रिकॉर्ड चक लो पुराना, अज तक किहड़े जिमीदार दा किसे सरकार ने कर्जा माफ़ करिया, जां इन्हां तों पहलां मनमोहन सिंह ने करिया सी सेंटर च, साडे मोदी साहब ने कर्जा माफ़ करिया वड्डे घराणियां दा जी, कैप्टन साहब ने 2-2 लाख रुपया किसे दा वध वी होया, पंजाब च किसानां दा कर्जा माफ़ करिया, किसानी नूं बचाउण वास्ते उपराले करे जी जी। ते जदों ये चीज़ां हौली हौली पटड़ी ते आ रही सी, मोदी सरकार ने बिल लिया के अज किसानी नूं इहो जे माड़े हालातों में धक्क दिता कि अज किसान अपने भविख तो चिंतित है भी साडा होएगा की। पर एक गल होर है भी अज किसान तो चलो बैठा होया अपने अपने धरने से बैठे हुए हैं, थोड़े वालों भी कोई किसी कोई लगता कोई कोई किसान के नाल कोई रल के कोई नीति बनाई जा रही है? देखो जी, जदों तो किसान पहले अज तक किसान जथेबंदियां जो धरने लग रहे हैं, साढ़े महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नाल मीटिंग भी उन्होंने हुई है जी, तो उन्होंने पहले दिन कहता सी असी किसान दे नाल है, असी किसान दे नाल खड़े हैं, असी केस भी लड़ांगे किसानी का जी, किसानी लिए जो सातों होया वह भी करांगे, कांग्रेस पार्टी पंजाब सरकार किसान दे नाल खड़ी है। देखो 25 तरीक नूं धरने लगे जी, साढ़े किसान जथेबंदियां ने धरने लाए, कांग्रेस पार्टी जथेबंदियां की हिमायत विच सी, हर एक पार्टी ने उनका साथ दिता जी जी। ते जेड़ी तुसी दूजी कल वाली आप गल करिए, हाँ श्रोमणी अकाली दल का क्या जिहड़ा तुसी देख रहे थे असीं कल इन्होंने समर्थ किया रोस रैली कढ़ी किसानों के हक का नाम लेके, मैं उही लग्या गल करन उहदे ते ही आ रहा जी। 25 तरीक नूं धरना दिता साडे किसान जथेबंदियां, साडा फर्ज बनता सी असीं उहदा समर्थन करिए जी, असीं किसानी नूं बचाउण वास्ते पूरा सूबा एक मुठ होईए, रल के लड़ाई लड़ीए, विचे पार्टियां विचे किसान हर एक बंदा कोई पार्टी है। वैसे तो सारा कुछ बंद सीगा, सारे दुकानदारां ने भी समर्थन दिता, हर एक सब ने समर्थन दिता जी, इको एक पार्टी है जिहड़ी चीची दे पहला खून ला के शहीद बनने की इन्हें कोशिश करी। देखो साडी पंजाबी मां बोली नाल धक्का होया जी, अज तो 2 महीने पहला दी गल है, कदों बोलिया जी अकाली दल, उदों बाद इन्हें बिल लिया, बिल आ गया, कांग्रेस ने विरोध करिया, किसान जथेबंदियां ने विरोध करिया, वड्डे वड्डे खेती जिहड़े माहिर सी बुद्धिजीवियां ने विरोध करिया कि किसानी खत्म हो जाएगी इस नाल जी। अच्छा, जो ये बिल आया सुखबीर बादल जी ने साडे मानयोग सबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी जी, जो कि चलो असीं ये भी नहीं कहते साडे सत्कारयोग ने, साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री रहे ने 5 साल उन्हां तो लाइव करा के बयान दवाए अखबारां च आया कि बिल बहुत अच्छा है, बहुत वधिया है, कांग्रेस गुमराह कर रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ऐ कर रहे ने। उदों 10 दिन बाद की इह जिहा होया भी यू टर्न लेके हुणे कहिंदे भी बिल माड़ा है, भी किसानां नूं इह इन्हां दी भाईवाल पार्टी, जिस दिन इह बिल टेबल होया उस दिन तुसीं दसो भी ये बोले जी नहीं, कोई इन्हां दा जवाब नहीं, पंजाबी बोली नाल दा घाण होया तां नहीं बोले। जदों किसानी दा बिल एक तरह की किसानी नूं खत्म करन दी साजिश जिस दिन रची गई, यह उस दिन मीटिंग दे विच बैठे सी, उस दिन नहीं बोले। जदों इन्होंने देखिया कि पंजाब दियां पूरे ऑल ओवर इंडिया दियां किसान जथेबंदियां जिन्ने भी बुद्धिजीवी खेती माहिर, जदों उन्होंने कहा कि यह बिल नाल किसानी खत्म हो जाएगी, साडा किसान मजबूर हो जाएगा, वड्डे वड्डे घराने लियाएगा ये मोदी, यानी कि इस्तीफा जिहड़ा दवाया गया, जदों इन्हें देखिया भी यह तो पासा भी साडी दा सियासी तौर ते असीं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे जी जी, कि सारी पंजाब सरकार कांग्रेस हर एक पार्टी किसानां दे नाल चल पई, अकाली दल एक पासे, पूरा पंजाब हर एक पार्टी एक पासे, किसान एक पासे, इन्हां दे नाल हर एक पार्टी दे जी जी। उदों इन्हां सोचिया किसानी वास्ते नहीं सोचिया, नहीं अपनी वोटां, सोचिया
भी किवें ना किवें असी इनू यू टर्न लेके माड़ी मोटी अपनी इज्जत बहाल करिए। यू टर्न लेके जी कहते जी असी इस्तीफा देता। अस्तीफा उस दिन देना चाहिए थी जदों ये टेबल होया सी बिल। नहीं कुर्बानी दी गल करी जा रहे भी कुर्बानी दी थी कुर्बानी दी थी। तुसी दसो कादी कुर्बानी की अपने आप ही कह रहे भी मैं कुर्बानी अपने आप ही कह रहे कोई कह रहा दूजे नु कुर्बानी देखो कल जे न देनी सी ना कुर्बानी कल ये किसानां नु कहंदे भी थोड़े तो अगे होके असी रेड़ा रोपण दा प्रोग्राम साडा होएगा कल नु कोई हादसा हुंदा असी थोड़े अगे होके खड़ांगे जी जी उत्थे दा इहदा हौसला नहीं पैंदा किसान उहदा भी कारण है। ਇਹ ਡਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੜਨ ਲੱਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਇਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਰੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ 20 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਤੇ 30 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਾ ਨੂੰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਉਵੇਂ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੀਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੜਾਂ ਹਿਲਾਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ ਆਉਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੋ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜੇਗੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਜ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ
देखो जी ये साड़ी सिख कौम की बदकिस्मती है जो सानू यह जे आगू मिले साढ़े लोगों ने भी इन्हों तड़ा तड़ वोटा पाइया। तुसी मैनू एक गल दसो चलो अपनी गल चल पी असी सिख धर्म नू बिलोंग करदे बहुत संघर्षी कौम है साढ़े गुरुआ ने एडिया वड्डिया कुरबानियां दित्तियां जिन्हां दी किते मिसाल नहीं मिलती पर इन्हां ने साढ़े सिख धर्म का जो हाल करेगा। तुसी मैनू एक गल दसो जिहड़े होर धर्म है उन्हां दा इन्ना क प्रचार है साढ़े बच्चे सिख धर्म तो दूर क्यों जा रहे हैं? चक्कर तो सारा ही है भी उहदा कारण यह है जी जो साढ़े सिख धर्म के आगू है इन्हां ने असी सुनते होंगे सी पहला सानू लगता सी भी उदा ही सियासी गल्लां है कि अकाली दल आर एस एस के हत्थां च खेड रही ते सिखां दा ही नुकसान कर रही अकाली दल ठीक है वह अज सच हो रही गल्लां इन्हां ने साडी सिख कौम का इन्ना क नुकसान करिया है जिहदी भरपाई करनी औखी है पर चलो सिख कौम बड़ी जुझारू कौम है असी अगे लड़ाई लड़ांगे साडा कोई जुझारू अगे आएगा जिहड़ा सिख कौम नू सेध देगा। सिख कौम जिन्ना साडा हरिमंदर साहब जो यह अपने इलैक्शनां ते या जिवें तुसी कल कह रहे गुरु की गोलख नू अपने वास्ते वरतदे ये चीज़ां जे धर्म प्रचार वास्ते या साडे सिख कौम का जो हैगा है हुण श्रोमणी कमेटी मैंबर है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ? ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਟਾ ਬਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਈਏ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੋਰ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹਰ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬੇਟਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ
क्योंकि ना तो सानू एम एल ए चाहिदा मिलिया तो लोग तो बैठे देख रहे। अच्छा मैंने दस्यो भी एम एल ए तो चलो एक साहब जिदा कहते साइड पर रखा हुआ है पिंड के लोगों के बीच काफ़ी चर्चा चल रही है भी साडा तो कुछ बने नहीं है हम पांच साल के रोपड़ का भी कद विकास होगा अपने इलाके का नहीं चलो लगे हुए हैं अगर डिवेलपमेंट होएगी रोपड़ की चल भी रहे असी कुछ काम कराए भी हैं जिहड़ियां कि रोडां वगैरह का देखो तुम देखा होना पिछले समय च अकाली दल ने जो पिंडां दीयां लिंक सड़कां सी की हाल सी दस साल इन्हां ने राज करिया हुण आ तीन चार साल च जो पिंडां दीयां लिंक सड़कां की हालत काफी हद तक सुधर चुकी है पहले खराब सी। हाँ ये है भी बाकी साढ़े रोपड़ जिले का जो प्रशासन है साढ़े डीसी साहब या होर जो भी प्रशासन है वधिया काम कर रहा जिन्हां दा कितें असीं भी जाने सानू हर तरह का उनका सहयोग मिलता है जी जी। तो वैसे तो चलो गल्लां दा बहुत है करने वास्ते तो थोड़ा समा भी थोड़ा जिहा इजाजत नहीं दिंदा हैगा तो असी आखिर दे विच असीं चाहुंदे हां भी हुण इजाजत भी लैनी है तो कोई तुसीं अपने इलाके दे विच अपने यूथ वास्ते कोई मैसेज छड्ड दो जरा यूथ वास्ते यही मैसेज है हर बंदे नूं नशे ते बचण दा पिया होया नशे नशियां तो ता देखो सब तो जिहड़ा अज इह अकाली दल ने साढ़े पंजाब नूं ग्रहण लाया है नशियां दा जी जी काफी हद तक उस चीज चो तुसीं पिछले क्लोज हो गया दिनां च देखिया भी होना कैप्टन साहब वल्लों भी हदायतां आईआं सी भी जिहड़े किसे एस एच ओ या किसे अफसर दे उहदे विच नशा विकदा है तां उस अफसर दी जिम्मेवारी होएगी। ते मैं इत्थे वैसे कहना नहीं चाहुंदा पिछले दिनां च कोई छे क महीने पहलां सानू एक दो रिपोर्टां आईआं कि उत्थे इदां हो रिहा असीं उह बंदे चुकवाए भी हां। ते मैं एज ए जिला प्रधान यूथ कांग्रेस मैं ये भी यूथ नूं मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो नशियां तो बचो एक जे कोई थोड़े पिंड च गलत काम करदा तुसीं उस चीज़ का साडे नाल संपर्क करो होर जो थोड़े इत्थे लोकल लीडर ने या प्रशासन नाल संपर्क करो ये चीज़ां दी जो ये कुरीतियां समाजिक जी ये कल्ली सरकार नहीं खत्म कर सकती इहदे विच लोकां दा सहयोग जरूरी है जी। चलो नशे ते गल हो गई ते दूजी गल जल्दी जल्दी गल आपां होर कर लईए वैसे याद आ गई क्योंकि माइनिंग का भी बड़ा मुद्दा भखिया होया क्योंकि माइनिंग रोपड़ जिले के जी हो रही थी वो गैर कानूनी काफ़ी हो रही थी पर ये कोई पॉलिसी नहीं बनी हैगी हम तक। देखो जी जो माइनिंग का मुद्दा है वो देखे होना पिछले दस साल जो अकालियों की सरकार रही है जी इन्हें लुट मचाई है पूरी जी जी। तो सरकार के खजाने च पैसा जाता सी कोई 90-95 करोड़ जी कैप्टन साहब ने आके जो इस टाइम खजाने च पैसा गया है माइनिंग तो 400-500 करोड़ के करीब है जी 400 करोड़ 500 करोड़ के करीब। बाकी देखो मैं यूथ का प्रधान होने के नाते मैं ये भी नहीं कहूँगा ये साढ़े जो कितने 100 करोड़ कितने 500 करोड़ रेवीन्यू बढ़िया है तो अगे सानू ये भी उम्मीद है कैप्टन साहब इस चीज़ पर बड़े गंभीर ने पॉलिसी आएगी माइनिंग की तो अगे सूबे नूं तरक्की होर अगे ले जाण वास्ते जिवें 100 करोड़ तो असी 500 करोड़ ते चले गए अकालियों का तुसीं रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है 95-98 करोड़ च खड्डा सी अज 500 करोड़ च ते हुण जिहड़े बंदे ने खड्डा लईआं होईआं है वह कम कर रहे उन्हां दा कोई होएगा उहदे बारे मैनूं इन्ना वह भी नहीं है भी मैं विस्तार नाल दस सकां की हैगा इन्ना मैनूं पता भी उन्हां दे टाइम 100 करोड़ सी हुण 500 करोड़ है ते कैप्टन साहब बड़े गंभीर है इहदी अगे पॉलिसी भी बनेगी माइनिंग दी। चलो बहुत वधिया गल है क्योंकि जिहड़ी चोरी माइनिंग चलदी है उहनूं रोकण वास्ते पॉलिसी जरूरी है ते मैं दर्शकों तो आप हूँ इजाजत भी लेनी है टाइम भी हो चलिया है तो प्यारे दर्शको ये साड़ी छोटी जी मुलाकात सुरिंदर सिंह हरिपुर के नाल जी अज हुई है तो असं फिर आने वाले टाइम के अलग अलग मुद्दों से फिर दोबारा फिर आते रहोंगे तो थोड़ा साडा प्रोग्राम किदा का लग्या तो सानू साडे दिते हुए थले कमेंटा के भी तुम दस सकते हो तो सुरिंदर जी लीए इजाजत फिर ठीक है सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल।